हेलो एंड वेलकम टू चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ऑसिंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी फोन नंबर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। ऑसिंट का मतलब है पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का यूज करके डिटेल्स कलेक्ट करना। हम कई तरीकों को कवर करेंगे, इजी से लेकर एडवांस टेक्निक्स तक, जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल की बात करते हैं। यह एक बेसिक तरीका लग सकता है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इससे आप कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फोन नंबर है और आप जानना चाहते हैं कि यह किसका है। सबसे पहले उस नंबर को गूगल में टाइप करें। आप अलग अलग फॉर्मेट्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कंट्री कोड जोड़कर या सिर्फ नंबर के साथ। कभी कभी छोटे बदलाव से सर्च रिजल्ट्स भी बदल सकते हैं। आपको फोरम्स, वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जानकारी मिल सकती है। कभी कभी लोग इन नंबरों की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पोस्ट करते हैं और आप इन कन्वर्सेशन से डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी ट्रिक, नंबर को कोट्स में डालें। इससे गूगल उसी सीक्वेंस में नंबर की सर्च करेगा, जो काफी यूजफुल हो सकता है। अगर आप कुछ और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो नंबर के साथ स्कैम, स्पैम या ऑनर जैसे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। इससे आपको सीधी जानकारी मिल सकती है। अब गूगल के बाद जानकारी का एक और खजाना है सोशल मीडिया। सोचिए, हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कितना कुछ शेयर करते हैं। लोग कभी कभी अनजाने में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक पर बहुत से लोग अपने प्रोफाइल से फोन नंबर लिंक करते हैं, तो अगर आप उस नंबर को फेसबुक के सर्च बार में डालते हैं तो हो सकता है कि आपको उस व्यक्ति की प्रोफाइल मिल जाए। कभी कभी लोग पब्लिक पोस्ट्स या कमेंट्स में नंबर भी मेंशन कर देते हैं, जिससे आपको कुछ सुराग मिल सकते हैं। ट्विटर पर भी यही तरीका काम करता है। ट्विटर की सर्च फंक्शनलिटी बहुत पावरफुल है। नंबर को सर्च बार में डालकर देखें, हो सकता है कि आपको ट्वीट्स में इसका जिक्र मिले। अगर नंबर किसी बिजनेस या पब्लिक सर्विस से जुड़ा है तो यह ट्विटर अकाउंट की बायो या ट्वीट्स में भी दिख सकता है। लिंक्डइन पर अगर नंबर किसी प्रोफेशनल प्रोफाइल से जुड़ा है तो वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अक्सर प्रोफाइल्स में होती हैं। इंस्टाग्राम पर भी कुछ यूजर्स, स्पेशली बिजनेस, अपने बायो में फोन नंबर डाल सकते हैं। यहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष टूल्स की, जो फोन नंबर की डिटेल्स ढूंढने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। सबसे पॉपुलर टूल्स में से एक है ट्रूकॉलर। यह एक ऐप है जो कॉलर की डिटेल्स पता करने और स्पैम को ब्लॉक करने के लिए लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। यह आपको फोन नंबर के नाम, लोकेशन और कैरियर की जानकारी भी दे सकता है। ट्रूकॉलर एक बड़े यूजर जनरेटेड डेटाबेस पर बेस्ड है, जिससे मैचिंग की संभावना बढ़ जाती है। एक और टूल है स्पाई डायलर। यह आपको बिना कॉल किए वॉइसमेल ग्रीटिंग सुनने की सुविधा देता है, जो नंबर से जुड़े व्यक्ति की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। और फिर है व्हाइट पेजेस, जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें नाम, पता और यहां तक कि नंबर का टाइप, जैसे लैंडलाइन है या मोबाइल। वीओआईपी नंबरों के बारे में बात करते हैं। कभी कभी जिस प्रकार का नंबर आप देख रहे हैं वह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फोन वैलिडेटर जैसी सर्विसेज का यूज करके आप यह जांच सकते हैं कि नंबर वीओआईपी है, लैंडलाइन है या मोबाइल है। इससे आपको समझने में मदद मिलती है कि नंबर पर्सनल है, बिजनेस रिलेटेड है या स्पैम के लिए है। वीओआईपी नंबर अक्सर बिजनेस या इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं और इन्हें एक स्पेसिफिक जगह पर ट्रेस करना मुश्किल हो सकता है। लैंडलाइन नंबर यूजुअली एक फिजिकल एड्रेस से जुड़े होते हैं, जिससे इन्हें एक स्पेसिफिक पर्सन या बिजनेस से जोड़ना आसान हो जाता है। अब एक और तरीका है जो थोड़ा इंटरैक्टिव है, वह है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें आप सीधे बातचीत करके अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नंबर पर कॉल करके किसी सर्विस या डिलीवरी कंपनी से होने का नाटक कर सकते हैं और पर्सन या लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप हमेशा लीगल और मोरल बाउंड्रीज में रहें। आप एक फ्रेंडली मैसेज भी भेज सकते हैं, जैसे कि आप गलत नंबर डायल कर चुके हैं, और देखें कि क्या आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर कोई फोन नंबर डेटा ब्रीच में शामिल हुआ है तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पर नंबर डालकर आप यह पता कर सकते हैं कि यह नंबर किसी डाटा ब्रीच में शामिल हुआ है या नहीं। अगर हाँ, तो आपको इसके साथ जुड़े ईमेल, यूजर नेम या पासवर्ड भी मिल सकते हैं।
कुछ एडवांस्ड ओसेंट टूल्स डार्क वेब पर फोन नंबर के मेंशन की जांच कर सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि नंबर किसी इलीगल एक्टिविटीज या फोरम्स से जुड़ा है या नहीं। अगर आप अपने सर्च को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो पब्लिक रिकॉर्ड्स भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इंटेलियस या बीन वेरीफाइड जैसी सर्विसेज डिटेल्ड रिपोर्ट्स देती हैं, जिनमें मालिक का नाम, पता, क्रिमिनल रिकॉर्ड और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। इन सर्विसेज में यूजुअली सब्सक्रिप्शन या पेमेंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ सरकारी वेबसाइट्स फ्री में पब्लिक रिकॉर्ड्स जैसे कि वोटर रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, जो फोन नंबर से जुड़ी हो सकती हैं। एंड में, अगर आप अपने सर्च को और डीप ले जाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल ओसिन टूल्स आपके लिए हैं। माल्टेगो एक ऐसा टूल है जो आपको फोन नंबर, ईमेल, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और बहुत कुछ के बीच कनेक्शंस का विजुअल मैप बनाने की परमिशन देता है। स्पाइडरफुट एक और टूल है जो डेटा कलेक्ट करने की प्रोसेस को ऑटोमेट करता है और आपको फोन नंबर से जुड़े हर चीज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर आप कमांड लाइन टूल्स से कंफर्टेबल हैं तो रेकॉन एनजी एक मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है जो ओसिंट डेटा कलेक्ट करने में कैपेबल है, जिसमें फोन नंबर की इंफॉर्मेशन भी शामिल है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये तरीके हेल्पफुल लगे होंगे और आप अब फोन नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ओसिंट का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स।